देखिए नथ जेवरिया जंजीर सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। ये काजल कहाँ चली गई? गौरी को की दवा भी नहीं दी, कोई परवाह नहीं है उसे हमरी गौरी की। होगी इस कौरे की तबीयत खराब और महुआ पर आएगा सारा इल्जाम। गौरी चल खेलता है। अरे एक्टिंग मत कर, बस हम तुम्हें है, चल खेलते हैं ना। गौरी इसे तो सच में बुखार आ गया है, हमें अभी माई को बताना होगा। माई 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 गौरी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, माई जल्दी चलो। क्या माई? गौरी गौरी बेटा क्या हुआ आपको? गौरी डॉक्टर साहब घर आइए जल्दी प्लीज। इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं आप लोग? इतनी छोटी सी बच्ची के एज ग्रुप के लिए ये दवाई वैसे ही बहुत स्ट्रांग है, और बावजूद इसके एक सिंगल डोज देने के बजाय दो दो डोज दवाई दे दी आपने। काजल ये मैंने नहीं, वो खुदवार दवा हमने दी थी, पर जितनी मात्रा में देनी चाहिए थी ना बस उतनी मात्रा में दी थी। हम अपने बेटे को ज्यादा कायम हमारे मना करने के बाद भी तुम गौरी के पास भी कैसे गई? और हिम्मत कैसे हुई गौरी के रूम के अंदर आने की? गौरी हमारी भी बेटी है। वो तुम्हारी बेटी नहीं है, और अगर तुम्हारी बेटी होती और तुम उसे अपनी बेटी मानती तो इतनी लापरवाही नहीं करती तुम। हमने कोनो लापरवाही नहीं की है, हम काहे करेंगे ये सब? ये सब कुछ थोड़ा हमने नहीं किया है, जो कुछ भी हुआ ना इस सब की वजह ही काजल है, इसने किया है ये सब। हमने हमने देखा है इना ये डॉक्टर से बात कर रही थी कि बच्चे के लिए डॉक्टर से बात करना गुनाह है। अरे तुमने तो मुझे अपना दुश्मन ही मान लिया है महुआ, पर तुम गलत नहीं हो, तुम्हारी सौतंत्र जो ठहरे। पर एक बात भूलो मत, गौरी भले ही मेरा खून नहीं है पर उसे अपनी बेटी माना है मैं। अरे प्यार करते हैं उससे हम। काजल इसे समझाने का कोई फायदा है ही नहीं, क्योंकि ये जो कुछ भी करती है सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए करती है। बहुत बड़ी मतलबी और धोखेबाज है ये, बहुत बड़ी मतलबी और धोखेबाज है ये। तुम्हें जो समझना है ना तुम समझ लो, पर हमरी एक बात गांठ बांध लो,
कि हमें गौरी से कोनो अलग नहीं कर सकता। जैसे यशोदा माँ को कृष्ण से कोनो अलग नहीं कर पाया ना, ऐसे हमें भी हमारी बेटी से कोनो अलग नहीं कर पाएगा। और याद रखना, इस बार तुम्हारा सामना सिर्फ पत्नी से नहीं बल्कि अब एक माँ से है। कृष्णा, ये सब हमारी वजह से हो रहा है माई। नहीं बेटा, तुम्हारी कोनो गलती नहीं है। नहीं माई, हमने बाबा को रोकने के लिए गौरी को बुखार करवाया। मनोज बच्ची, आज तेरी वजह से हमारी गौरी की ई हालत हुई है और तुझसे उम्मीद भी काटी जा सकती है। तूने हमारी गौरी को बीमार किया, देंगे अजी। माफ कीजिए कृष्णा, हमारी बेटी है और हम आपको इस पर हाथ नहीं उठाने देंगे। और हमारी गौरी की जान चली जाए, ये मंजूर है तो का? हमें नहीं पता था कि गौरी की तबीयत इतनी खराब हो जाएगी। हम भी गौरी से प्यार करते हैं, बिल्कुल आपकी तरह। हमारे साथ बराबरी करेगी, अम्मा जी के साथ बराबरी करेगी, तू बताते हम अम्मा जी प्लीज। कोई भी बच्ची से इस तरीके से बात नहीं करेगा। जो कुछ भी किया वो नादानी में किया। बेटा, आज के बाद दोबारा ऐसी हरकत कभी मत करेगा। अब जाइए। सॉरी बाबा। बाबा नहीं है उतरे। नहीं, वो हमारे और गौरी के दोनों के बाबा है, हमें सब पता चल गया है। झूठा मत सोचा कर, तन्हा तन्हा मत सोचा कर, मर जाएगा मत सोचा कर। कृष्णा, ऐसा ना ही कहते बेटा। अरे ये सब बड़ों के बीच की बातें हैं। तुम जाओ, गौरी के पास जाओ और उनका ख्याल रखना। हुँ? माई, बाबा को जाने मत देना, हमें उनके साथ रहना है। बस बहुत हो गया, अब हम एक मिनट भी इस घर में नहीं रुकेंगे।